हेलो स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा का जो चैप्टर है उसे ख़त्म करे, उसके आओ करे 9, 10, 8, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम लोग ने पूरे प्रश्न जो है कर चुके हैं। अब आज जो है हम इसमें एक लेखन है जिसके अंतर्गत हमको साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है ना। हमने पहले बता चुके थे कि साक्षात्कार क्या होता है, मतलब साक्षात्कार साहित्य की वह विधा है या प्रकार है। विधा मतलब होता प्रकार, जिसमें प्रश्नों व उत्तरों की मदद से, प्रश्न और उत्तरों की मदद से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या उसके विचार प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा से प्रश्न किया गया था और उन्होंने उसके उत्तर दी थी, है ना, जो उनकी उपलब्धि के आधार पर, उन्होंने उनके साथ जो घटना हुई उन सब के आधार पर। तो आज जो है हम साक्षात्कार क्या होता है और साक्षात्कार कि क्या तैयार, मतलब साक्षात्कार किसी से लेने से पहले हमको कौन कौन सी तैयारी करना चाहिए, आज हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर जो है आपको 34 निकालना है बुक में और उससे आपको देखना है। उसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको कि अपने पाठ हिम्मत की मिसाल, आपने जो है हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा पढ़ा, यह पाठ क्या है, एक साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंटरव्यू कहते हैं जिसको, है ना। अब देखिए साक्षात्कार साहित्य की वह गद्य विधा है जिसमें प्रश्नों व उत्तरों के की मदद से या माध्यम से, प्रश्न व उत्तरों के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या उसके विचार प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले लिखा है इसमें, साक्षात्कार करने के लिए कुछ तैयारियाँ, यानी जब हम किसी से साक्षात्कार लेते हैं उसका, तो उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है, कोई भी साक्षात्कार लेने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित करें कि उसका क्या उद्देश्य है, है ना। आप साक्षात्कार की मदद से क्या जानना चाहते हैं, है ना, जैसे व्यक्तिगत जीवन के बारे में या उसके विशेष व्यवसाय, यानी कोई बिजनेस करता है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, उसके बारे में, चुनौतियों के बारे में व उपलब्धियों के बारे में। जैसे यहाँ पर हमने अरुणिमा सिन्हा की जो उपलब्धियाँ उन्होंने प्राप्त की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, उसके बारे में हमने उनसे प्रश्न किया था, है ना। जैसे और व्यवसाय लिखा, व्यवसाय मतलब बिजनेस किसी का बहुत अच्छा चलता है, तो उनसे भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या हो, तो उसका उद्देश्य या तो उसकी उपलब्धि होना चाहिए, या कोई बिजनेस अगर अच्छा करता हो, या कोई उसके अंदर कोई चुनौती हो, तो उन सब के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। अब सेकंड वाला है जानकारी जमा करना। सेकंड नंबर पे क्या करना है हमको, उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उससे संबंधित जानकारी पुस्तकों, दूरदर्शन या इंटरनेट की मदद से जमा करें। सबसे पहले क्या करना है हमने को दूसरे नंबर पे कि पुस्तकों से, पुस्तकों में जहाँ पर उसके उनके बारे में लिखा हो, वो दूरदर्शन यानी टीवी पर, इंटरनेट ना, जैसे अपन मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं, कि मदद से जमा करें। सबसे पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तभी तो हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, प्रश्न बनाएंगे। जैसे अरुणिमा सिन्हा से प्रश्न जो करने के लिए, जिससे भी उन्होंने मतलब जिसने भी उनका साक्षात्कार लिया, तो प्रश्न बनाया और उसके बाद उसका आंसर उनसे पूछी। जानकारी की मदद से प्रश्नों का निर्माण सुगम हो जाता है, सबसे पहला उद्देश्य, और दूसरा जानकारी जमा करना। तीसरा है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण मतलब प्रश्न कैसे बनाया गया। अब देखिए इसमें लिखा है, उद्देश्य निर्धारण व जानकारी एकत्रित करने के बाद प्रश्न निर्माण करें, प्रश्न बनाएं। प्रश्न यानी कि कौन से प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्न इस तरह बनाएं कि साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अपने विचार व भाव स्वतंत्र रूप से सामने रख सके, यानी ऐसे प्रश्न बनाना चाहिए जिसका वह जवाब क्या कर सके, दे सके, है ना। प्रश्नों की और प्रश्न जो है अच्छे भी होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करें कि सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछना है कि 9 पूछना है, 8 पूछना है, ऐसे, है ना, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल रखें, है ना, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। प्रश्नों को ज़्यादा उलझाए नहीं, है ना, ज़्यादा यानी उलझा के नहीं पूछना है, प्रश्न सीधे सीधे पूछें, है ना। और साथ ही साथ प्रति प्रश्नों, यानी कि प्रति प्रश्नों मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी के दौरान अगर कोई तुरंत में प्रश्न आ गया तो उसकी भी तैयारी करना चाहिए कि अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और उसी दौरान कुछ ऐसा आ गया तो हम कैसे करेंगे। कि जैसे कि आप उनसे बोलते कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय आपको जो लाशें दिखी,
है ना, तो कैसा लगा आपको। फिर उसके बाद जब हम वापस आने के लिए कह रहे थे तो आप आगे ही आगे बढ़ते गए, उस समय आपको कैसा, मतलब उस समय कैसा लगा, वो भी ऐसे प्रकार के। तो प्रश्न के अंदर प्रश्न, प्रति प्रश्न कहलाते हैं। फिर समय, साक्षात्कार से पहले व्यक्ति के साथ मिलने का समय निर्धारित करें कि आज हम 11 बजे यहाँ पर मिल रहे हैं या जितना भी टाइम हो। अभ्यास, साक्षात्कार लेने से पहले प्रश्नों को पढ़कर उनका अभ्यास करें कि कौन कौन से प्रश्न हम आज पूछेंगे। जैसे कि हम आपसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम प्रश्नों को दोहरा लेंगे कि 5 प्रश्न हमको आज बच्चों से पूछना है। तो वैसे ही आप साक्षात्कार जब किसी का लेंगे तो जो प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं उन प्रश्नों को हमको उसका पढ़कर अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि साक्षात्कार के दौरान आप सहज रूप से प्रश्न पूछ सकें, है ना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो ये जो है साक्षात्कार के पहले की तैयारी है। साक्षात्कार किसी का ले रहे हैं तो उसके पहले कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले उद्देश्य, फिर जानकारी इकट्ठी करना, प्रश्न का निर्माण करना, समय बताना और अभ्यास। कितने हो गए? 5 प्रश्न हो गए। साक्षात्कार के पहले उद्देश्य होना चाहिए, जानकारी जमा करना चाहिए, प्रश्न निर्माण करना चाहिए, समय बताना चाहिए और फिर अभ्यास करना चाहिए उन प्रश्नों का। अब आ जाते हैं अपन साक्षात्कार के दौरान, मतलब उस समय जब साक्षात्कार ले रहे हैं तब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले व्यवहार, साक्षात्कार के लिए समय से जाएं, यानी जब हम किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं तो हमको टाइम से जाना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति का अभिवादन करें, है ना, उस मतलब जैसे अपन नमस्ते वगैरह करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, वो करना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले से नम्रतापूर्वक प्रश्न पूछे, अच्छे से प्रश्न पूछे। आपका स्वर कर्णप्रिय रहे, यानी सुनने वाले को भी अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाला। प्रश्न आसान शब्दों में आराम से पूछे, यानी सरल तरीके से पूछे और आराम से पूछे, ताकि प्रश्न एक बार में ही समझ आ जाए, है ना। उसके बाद प्रतिक्रिया, जब साक्षात्कार के दौरान दो चीज़ों को ध्यान रखना, एक तो व्यवहार और दूसरा प्रतिक्रिया। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुने, बोलते समय बीच में ना टोके, अगर वो कुछ बोल रहा है तो सुन लीजिए, उसके बाद अगर कुछ अपने को ऐसा लग रहा है तो उसका जवाब बाद में दीजिए। बोलने वाली हर बात को मौखिक या लिखित रूप में रिकॉर्ड करते रहें, है ना, तो उसको जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड भी करते जाएं। ये दो चीज़ें हमको साक्षात्कार के दौरान करना है, जब साक्षात्कार ले रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, साक्षात्कार के बाद इसमें भी दो बातों का ध्यान रखना है। साक्षात्कार फर्स्ट में रहेगा, साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहें, है ना, कि उसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया तो उसको धन्यवाद कहें। और सेकंड में साक्षात्कार को ज्यों का त्यों लिखे और प्रस्तुत करें, जैसा जैसा हमने उनसे प्रश्न किए वैसा ही हमको उसका जवाब लिखते जाना है। तो ये हो गया बच्चों कि 3 चीज़ें बताई गई है कि साक्षात्कार, पहले बताया कि साक्षात्कार है ये क्या, अरुणिमा सिन्हा, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, ये एक साक्षात्कार है। और साक्षात्कार क्या होता है, तो साक्षात्कार साहित्य की वह गद्य विधा है जिसमें प्रश्न और उत्तरों की मदद से किसी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं या विचार प्राप्त करते हैं। फिर साक्षात्कार के पहले, बाद में और उस जब साक्षात्कार चलता है तब कौन कौन सी जानकारी, मतलब कौन कौन सी चीज़ हमको या मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए साक्षात्कार के पहले, फिर जानकारी इकट्ठी करना, प्रश्न निर्माण करना, प्रश्नों समय बताना, उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करना। ये 5 चीज़ें जो है साक्षात्कार के पहले। फिर दौरान 2 चीज़ें, एक तो पहले व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपना कि अच्छे से बात करें हम उससे, दूसरा प्रतिक्रिया, इसकी बात अच्छे से मतलब सुने, ध्यान से सुने और बात मतलब बीच में ना टोके। उसके बाद 2 चीज़ें और है साक्षात्कार के बाद, उसका धन्यवाद दें कि आपने हमें अपना मतलब इंटरव्यू दिया आपका, इसके लिए आपका धन्यवाद, और साक्षात्कार जैसा हमने उसका लिए हैं वैसा ही हम लिखें। तो अब हमको प्रश्न करना है होमवर्क के लिए, उसमें देखिए आओ करें 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपने अभी साक्षात्कार करने का तरीका जाना, अब आपको अपने मित्र का साक्षात्कार लेना है, उससे संबंधित विभिन्न बातें जानने हेतु 10 प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। यानी आपको कितने प्रश्न बनाना है, 10 प्रश्न बनाना है। जैसे हमने कितने प्रश्न पढ़े थे अरुणिमा सिन्हा के बारे में, 11 प्रश्न पूछे गए 11 प्रश्न थे उसमें, तो अपने को कितने बनाना है, 10 बनाना है। अपने मित्र का साक्षात्कार लेना है आपको, तो अपने मित्र से कभी आप साक्षात्कार करेंगे, वो किसी अच्छे पद पर पहुंच गया है तो आप किस प्रकार से उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बारे में 10 प्रश्न आपको बनाना है। प्रश्न निर्माण से पहले उद्देश्य का ध्यान रखें,
प्रश्न आपके प्रश्न व्यक्तिगत जीवन, पसंद नापसंद, उपलब्धियों आदि किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, है ना। कि मतलब आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आप बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब अरुण सिन्हा ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर दी थी तो हमने थोड़े कठिन प्रश्न थे, लेकिन आप जो है बच्चे हो तो बच्चों को अपने हिसाब से प्रश्न बनाना है, है ना। जैसे आपको क्या खाना पीना पसंद है, क्यों, इस प्रकार के 10 भी बना सकते हैं, तो उसको अपने को बना के देखना है। और 11वां प्रश्न है, अपने साथी का साक्षात्कार लीजिए, साथी मतलब मित्र, और उससे प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रश्न उत्तर के रूप में लिखिए। जो जो प्रश्न अपन ने उस आपने उससे करे थे उसको, जैसे यहाँ पर दिया था अरुणिमा सिन्हा के बारे में, है ना, कि अरुणिमा सिन्हा से जो प्रश्न किए गए थे तो वो पूरे प्रश्न और उत्तर लिखे हैं, तो वैसा सेम आपको भी अपने मित्र का नाम लिखना है शुरू में, और उसके बाद उसकी जानकारी जो है आपको बताना है। अब एक और चीज़ है, थोड़ी सी आगे देख लीजिए, सोचो और बताओ, फोर्ब्स पत्रिका, ये किसकी पत्रिका है, महिलाओं की पत्रिका है, युवा पाठकों के लिए प्रकाशित की जाती है, है ना, जो यंग है उनके लिए। इस प्रकार बच्चों के लिए भी बाल पत्रिकाएं छपती है कि नहीं, है ना। तो क्या आपने कभी कोई बाल पत्रिका पढ़ी है, बताइए, यदि हाँ तो उसके बारे में बताइए, यदि पढ़े हैं तो। आपको किस भाषा की पुस्तकें कहानियां पढ़ना पसंद है, इंग्लिश की संस्कृत की अंग्रेजी के हिंदी की, है ना। आपको बाल पत्रिकाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए, कौन कौन सी बाल पत्रिका छपती है, है ना, और उनका विवरण A4 शीट पर लिखकर कक्षा में लाइए। कौन कौन सी पत्रिका है उसको सीट में बना के लाना है। आप लोग मोबाइल में ही मतलब कॉपी में भी बना सकते हैं अभी, और उसके बाद उसको लिखकर सेंड कीजिएगा। जैसे पत्रिका का नाम, फिर कहाँ से प्रकाशित होती वो, और फिर पाठक की आयु वर्ग यानी कितने साल के बच्चे उस पत्रिका को पढ़ते हैं। उदाहरण, जुगनू प्रकाशन की ओर से छपने वाली बाल पत्रिका साइकिल है ना, वो कहाँ से प्रकाशित की जाती, जुगनू प्रकाशन से, और उसका नाम क्या है, साइकिल, और वो कितने साल के बच्चे लोगों के लिए रहती है, 10 से 12 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए, हमें ख्याल है, क्या आपने कभी किसी दिव्यांग को कोई खेल खेलते हुए देखा है, सुना है, दिव्यांग यानी अपाहिज होते हैं ना। पैरालंपिक खेल एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। पैरालंपिक का महत्व इस बात से जाना जाता है कि यह 21वीं सदी की शुरुआत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया है। पैरालंपिक एथलीट की विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को देखते हुए एथलीट प्रतिस्पर्धा को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे एक पैर से चलने वाले लोगों की दौड़ प्रतियोगिता, व्हील चेयर रेस, अंधे का या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष खेल आदि। पैरालंपिक के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मविश्वास और साहस का बढ़ाना। ये पैरालंपिक खिलवाने का मतलब क्या है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, उनके अंदर आत्मविश्वास और साहस की भावना भरना है। और दूसरा है, दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के समान पहचान दिलाना, यानी जैसे कि उनको बता मतलब उनको समझ उनको एहसास ही नहीं दिलाना चाहिए कि वो क्या है, दिव्यांग है। तो ये जो है मतलब इसको अपने को खाली पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर अपना चैप्टर आज समाप्त होता है, लेकिन मेरी बारी जो एक अपनी सेकंड बुक है उसके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो वो हम कल करेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से हमारा जो लेसन है पूरा 12 दिन चल गया है ना, चलेगा मतलब, क्योंकि बीच में 2 संडे हो गए थे। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त होती है। आपको 2 प्रश्न करना है, प्रश्न नंबर 10 और 11। तो प्रश्न नंबर 10 में तो आपको पूरा मतलब ये जो जैसे साक्षात्कार के पहले, बाद में, और वो मतलब दौरान जो कोई प्रश्न बनाए थे वो बनाना है। आप कठिन प्रश्न नहीं बनाना है, अपने मित्रों के लिए छोटे छोटे सरल बना सकते हैं। 11वें नंबर पे उसका उत्तर भी लिख के हमको सेंड करना है। तो धन्यवाद बच्चों।